टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 9 आई स्पीक साइन लैंग्वेज ए रीड द लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस फर्स्ट लाइन माय वर्ल्ड मे सीम क्वाइट फॉर माइल्स अराउंड देन क्वेश्चन ए हु सेज दिस लाइंस द पोएटेस सेज दिस लाइन देन क्वेश्चन नंबर बी व्हाई इज दिस पर्सनस वर्ड क्वाइट एंड आंसर इज The person cannot hear anything as the person is deaf. So their word is quiet. Then second, but for me it keeps your word within reach. And question A, what does it refers to? It refers to sign language or gesture. B. Explain the phrase keeps your word within reach. The phrase means that the person is able to access the word of spoken words. Then third, my language started small but soon it grew. Question number A. Which language is referred to here? And answer is sign language. Is the language being referred to here? Then B. Mention the figure of speech used in this line and explain it. The figure of speech used in this line is metaphor. It is compared to a tree or baby that started off small but with practice grew into full-fledged language communication. Then 4. I won't even blink at your rumbling belly. Question A. Who says this line? The poetess says these lines. Then B. Why will the person not blink? Answer is the person will not blink because she cannot hear the rumbling belly as she is deaf. वहाँ पे जो person है जो lady है वो मतलब poetess के बारे में कहा है कि वो कैसी है वो deaf है इसलिए अगर आप लोग continuously बात करोगे तो वो बिल्कुल पलके भी नहीं झपका सकती वो आपकी तरफ देखती रहती कि आप लोग क्या बोल रहने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो डीफ है इसके कारण क्या कर सकती है वो गेज भी नहीं कर सकती और अपने पलके भी नहीं झपका सकती देन फिफ्थ यू मे लुक ट्वाइस एट व्हाट आई कॉल स्पीच क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कॉल स्पीच द पोएट कॉल जेस्चर एंड साइन लैंग्वेज स्पीच किसको यहाँ पर स्पीच किसे कहा गया है जेस्चर जेस्चर मतलब अपने हाव हाव एंड साइन लैंग्वेज बी व्हाई विल वी लुक ट्वाइस एट इट अगर कोई हाथ इशारे करके बात करता है तो हम लोग कैसे देखते हैं दो दो बार उसकी तरफ देखते हैं कि ऐसे क्यों बातें कर रहा है एंड आंसर इज वी विल लुक ट्वाइस एट इट बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज जेस्चर क्योंकि वो लोग जो भी इशारे करके बातें करते हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोग वर्बली कम्युनिकेट करते हैं सिक्स बट इट्स सो मच मोर फॉर ऑल इट्स स्पीकर एंड क्वेश्चन ए व्हाट डज इट रेफर टू इट रेफर टू साइन लैंग्वेज देन बी व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इट्स स्पीकर मतलब जो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इट्स स्पीकर्स बिकॉज दे कैन यूज इट टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स साइन लैंग्वेज कौन यूज़ करता है जो डेफ होते हैं डम्ब होते हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं सो अगर उन्हें अपनी फीलिंग्स अपने थॉट अगर दूसरे की तरफ पहुँचाने हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज इसलिए उनके लिए साइन लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है देन क्वेश्चन बी आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली व्हाई इज वर्बल स्पीच ऑफ नो यूज टू द पोएट यहाँ पे पूछा गया है कि वर्बल स्पीच यूजफुल क्यों नहीं है वर्बल स्पीच इज ऑफ नो यूज टू द पोएट एज शी इज डेफ देन सेकेंड क्वेश्चन How does the poet enjoy watching television programs? The poet enjoys watching television programs by reading the subtitles. Subtitles मतलब क्या होता है आप लोग जब इंग्लिश मूवी देखते हो या फिर और कुछ अलग
डिफरेंट जो मूवी लगती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की मूवी देखते हो आप लोग, तो वहाँ पर नीचे लिख कर आता है, एक तो इंग्लिश में लिख कर आता है या फिर हिंदी में लिख कर आता है, दैट आर सब टाइटल्स. देन थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज साइन लैंग्वेज लुक लाइक टू अदर एंड व्हाई. अकॉर्डिंग टू द पोएट साइन लैंग्वेज लुक्स लाइक फन एंड गेम. दूसरे लोगों के लिए ये जो साइन लैंग्वेज है उनको क्या लगता है कि ये तो एक फन है, गेम है, बिकॉज दे कैन हियर द स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि उन्हें उन्हें साइन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और वो लोग बातें करके ही अपनी सारी बातें दूसरों की तरफ पहुँचा देते हैं. इसलिए उन्हें क्या लगता है कि ये साइन लैंग्वेज कैसी है, इट इज जस्ट लाइक अ फन एंड गेम्स. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द डिक्शनरी फॉर साइन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिक्शनरीज. हम लोग जो डिक्शनरीज यूज़ करते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें वर्ड्स की मीनिंग दिए हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, द डिक्शनरी फॉर साइन लैंग्वेज इज़ फिल्ड विद पिक्चर्स. वहाँ पर क्या रहते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स दिए रहते हैं. सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन यू सी डजंट हैव टू बी स्पोकन. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम. पोएम में ये लाइन आई है आपको कि अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो सिर्फ कम्युनिकेशन ही एक मीडियम नहीं है. करेक्ट, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है. आंसर इज, कम्युनिकेशन डजंट हैव टू बी स्पोकन बिकॉज देर आर मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग अपार्ट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब वर्बल कम्युनिकेशन छोड़कर भी बहुत से वेज हैं जिसकी वजह से जो यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. साइन लैंग्वेज इज वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक. जो लोग बात नहीं कर सकते उनके लिए कम्युनिकेशन का एक बेस्ट मीडियम कौन सा है, साइन लैंग्वेज. एंड बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज दे एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. देन सेकेंड क्वेश्चन, साइन लैंग्वेज फिक्स अ वॉल्यूम स्पीच दैट स्टार्टेड आउट ब्रोकन. ये भी एक पोएम है, ये भी एक ये है लाइन है पोएम में की जो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है. साइन लैंग्वेज फिक्स अ वॉल्यूम स्पीच दैट स्टार्टेड आउट ब्रोकन. इसका मतलब क्या है, दैट हैज़ गिवन द पावर. मतलब ये साइन लैंग्वेज क्या करती है, पावर देती है. किसे पावर देती है साइन लैंग्वेज, गिवन अ पावर टू अ पर्सन म्यूट एंड डेफ पर्सन. जो डेफ पर्सन है उन लोगों को वो पावर देखती है. कौन सी पावर, टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि खुद को वो लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज. वन डज नॉट हैव टू हैव वर्बल कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और सॉल्व प्रॉब्लम. उनको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें वर्बल कम्युनिकेशन यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. दे कैन डू सो बाई यूजिंग साइन लैंग्वेज. मतलब वो बातें कर सकते हैं साइन लैंग्वेज यूज़ करके, और इवन पिक्चर्स देख कर भी वो लोग समझा सकते हैं हमें उन्हें क्या बात करनी है. दैट इलुस्ट्रेट द सोल्यूशन टू फिक्सिंग प्रॉब्लम. मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम ये साइन लैंग्वेज यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, वॉट डज द पोएट मीन वेन शी सेज दैट हर लैंग्वेज स्टार्टेड स्मॉल बट सून इट ग्रो. मतलब उसकी लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई थी, पहले छोटे पैमाने पर हुई थी लेकिन अभी वो बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है. इसका क्या मीनिंग है, वेन द पोएट सेज दैट हर लैंग्वेज स्टार्टेड स्मॉल बट सून इट ग्रो, शी मीन्स दैट वाइल शी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल अराउंड हर इन साइन लैंग्वेज. मतलब जब उसने उसके आजू बाजू के जो भी लोग थे जिनके भी साथ वो बात करती थी उसके साथ जब वो साइन लैंग्वेज यूज़ करके बात करती थी तो क्या हुआ, दैट पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टू लर्न अ साइन लैंग्वेज. करेक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपका कोई फ्रेंड है जर्मनी से, ठीक है, और उसके साथ आपको बात करनी है तो उसे तो हिंदी आएगी नहीं. अगर वो जर्मन में बात कर रहा है तो हमें भी जर्मन आनी चाहिए. करेक्ट, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम भी थोड़ी थोड़ी जर्मन सीखना स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पर भी वैसे ही है, जब पोएटस ने स्टार्ट किया साइन लैंग्वेज यूज़ कर बात करना, फिर लोगों को समझ में आया तो वो भी लोग थोड़ी थोड़ी साइन लैंग्वेज सीखने लगे उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए. सो दैट दे कुड ऑल्सो कम्युनिकेट विथ हर इन द सेम मैनर.
मतलब वो भी पोएट इसको कैसे आंसर देने लगे, साइन लैंग्वेज में. दिस लेड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग साइन लैंग्वेज. और इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे साइन लैंग्वेज यूज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई. देन फोर्थ क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड डज द पोएट हैव. द पोएट सीम्स टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल एटीट्यूड. कैसा एटीट्यूड है, होपफुल, आशावादी एटीट्यूड. शी इज नॉट डिस्करेज बाय हर इनएबिलिटी टू स्पीक और हियर. उन्होंने खुद को ये नहीं किया कि अरे मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे सुनाई नहीं आता, मैं बोल नहीं सकती. उन्होंने क्या किया, शी फर्मली बिलीव्स एंड प्रूव्स दैट देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइन्स लाइक साइन लैंग्वेज. उन्होंने साइन लैंग्वेज के ऊपर बिलीव किया और प्रूव करके दिखाया कि साइन लैंग्वेज भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से बातें कर सकते हैं. एंड हेंस शी डज नॉट हैव टू रिलाय ऑन वर्बल कम्युनिकेशन. और इसलिए वो उन्हें वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा. देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द पोएट वांट्स टू टीच एवरीवन साइन लैंग्वेज एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी इट्स इफेक्ट. द आंसर इज द पोएट वांट्स टू टीच एवरीवन साइन लैंग्वेज सो दैट दे कुड कम्युनिकेट विथ ईच अदर. मतलब सब लोगों को अगर साइन लैंग्वेज आएंगी तो हम लोग भी उन लोगों के साथ कैसे बात कर सकेंगे, आराम से बात कर सकेंगे, कंफर्टेबली बात कर सकेंगे. और इसका इफेक्ट क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ मोर पीपल लर्निंग द साइन लैंग्वेज विल बी दैट दिस लैंग्वेज विल ग्रो. उसकी ग्रोथ होगी लैंग्वेज की एंड बिकम पॉपुलर लाइक अदर वर्बल लैंग्वेजेस. जैसे बाकी के लैंग्वेजेस पॉपुलर है, सब लोग यूज करते हैं, वैसे ही साइन लैंग्वेज भी पॉपुलर होगी और साइन लैंग्वेज सब लोग यूज करेंगे. और इसका फ़ायदा क्या होगा, दिस विल हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट विद दोज हैविंग स्पीच इम्पेडियामेंट एंड ऑल्सो हेल्प देम अंडरस्टैंड द डिफरेंटली एबल. मतलब अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है तो पीपल साइन लैंग्वेज यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ में, और उन्हें उन लोगों की प्रॉब्लम भी समझ में आएगी.